नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम सीरीज चला रहे हैं HTML की। तो दोस्तों HTML ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम बात करेंगे कलर्स की, कैसे आप टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसी विषय में हम बात करेंगे आज दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ बैकग्राउंड कलर की, तो उसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर डालते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके लिए जो कोड होता है वो होता है BG कलर। दोस्तों आपको कलर की स्पेलिंग COLOR लिखनी है, ना कि COLOUR। आप देख लीजिए BG COLOR, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और दोस्तों यहाँ पर हम डालते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पर आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, आप चाहें तो डबल कोटेशन मार्क लगा सकते हैं, बेटर तो यही रहेगा, और नहीं भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। अगर लेकिन आपको लगाने चाहिए डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क। तो दोस्तों बॉडी BG कलर इक्वल टू रेड। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देखते हैं पूरी बैकग्राउंड रेड कलर की हो गई है। तो यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ ब्लू दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। अब मैं रन करके देखता हूँ, ब्लू हो गया। दोस्तों इसके अलावा आप कलर कोड भी दे सकते हो, बहुत सारे कलर कोड दे सकते हैं आप, जिसकी आप शुरुआत करते हैं हैश लगा के, और उसके बाद में बहुत सारे कोड आप ले सकते हो नेट से। और ये आपका 6 अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों का होता है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए ये कलर वाइट का है। अगर मैं इसको 00 कर दूं, तो ब्लैक हो गया 00। FF वाइट का था, 00 ब्लैक का है। दोस्तों इसी तरह से आप बहुत सारे कलर बना सकते हो। इसमें मैं अगर 2F कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। अब कुछ और कलर बन गया, देखिए दोस्तों ब्लू हो गया। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूँ तो देखते हैं क्या होता है, अब कुछ और हो गया दोस्तों कलर। तो दोस्तों इस तरह से आप ये कलर कोड भी डाल सकते हो। बहुत सारे आपको नेट पर कलर कोड की लिस्ट मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा आप खुद बना बना कर भी डाल सकते हो। BG = #, बाकी आपका 6 डिजिट का अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल, या खाली न्यूमेरिकल, या दोनों मिक्स करके आप डाल सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्स्ट कलर की। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कलर, equal to green, तो दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है आगे। और यहाँ पे मैं लिखूँ हेलो, डन करके रन करते हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। और तो दोस्तों यहाँ पर मैं कलर की जगह करता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि HTML5 में चेंज हो चुका है। अब मैं टेक्स्ट की जगह text = white करता हूँ, तो आप देखिए हेलो का कलर वाइट हो गया। यहाँ कुछ और मैं चेंज करता हूँ, फिर दोबारा से मैं ग्रीन करता हूँ, डन करता हूँ, तो दोस्तों ग्रीन हो गया कलर। अगर मैं यहाँ ब्लू करूँ, और डन करूँ, फिर रन करूँ, तो ब्लू हो गया। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आपको पूरे पेज की बैकग्राउंड बदलनी हो तो आप BG color = जो भी कलर आपको देना है वो लगा दीजिए। और टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो text = जो भी आपको देना है उस कलर का नाम दे दीजिए यहाँ पर। ये आपका जिस भी टैग के अंदर लगाएंगे वो काम करेगा टेक्स्ट जो है दोस्तों। तो दोस्तों ये होगा पूरे पेज के लिए। अब दोस्तों मैं अभी यहाँ से इनको हटा देता हूँ, दोनों एट्रीब्यूटों को। दोस्तों इन्हें बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। रन करता हूँ एक बार और, सिंपल आ गया हमारा पहले जैसा नॉर्मल। अब दोस्तों मैं यहाँ पर देता हूँ p टैग,
पी टैग देता हूँ दोस्तों मैं। अब पी टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे हेलो। अब हमने इसको पैराग्राफ बना दिया, आप देख सकते हो। रन करता हूँ, अभी तो कुछ इसमें चेंज दिखाई नहीं देगा आपको। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ कलर, लगा के देखते हैं हम। इसमें टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू और मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ आपका वाइट। दोस्तों अभी जो हमने कलर लगाया था बॉडी के अंदर वो पूरे पेज के लिए था। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट काम नहीं कर रहा है। अब देखो इसे चेंज करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं चेंज करके। दोस्तों अब यहाँ पर हम कलर भी रन करके देखते हैं तो देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पी टैग में कलर काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों मैं पी टैग की जगह अगर फॉन्ट ले लूँ, पी को यहाँ पर अगर मैं क्लोज कर दूँ, और यहाँ पर मैं एक टैग और ले लूँ फॉन्ट, और दोस्तों फॉन्ट को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँ, फॉरवर्ड स्लैश फॉन्ट। अब दोस्तों हम इसको रन करते हैं। अब आप देखिए कलर चेंज हो गया। कोड को एक बार दोबारा देखते हैं। पैराग्राफ के बाद में हमने लगाया फॉन्ट। तो दोस्तों ये जो कलर है ये पैराग्राफ के अंदर काम नहीं करता, इसको हमें फॉन्ट टैग में लगाना पड़ेगा। तो हर एट्रीब्यूट हर टैग में काम नहीं करता है दोस्तों। तो अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसको फॉन्ट के अंदर लगाइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पूरे टेक्स्ट को। कॉपी करके दोस्तों मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे। अब यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ रेड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट का कलर अलग अलग आ रहा है। दोस्तों अगर यही टेक्स्ट हम ऊपर बॉडी की में लगाते, जैसे कि मैंने पहले लगाया था टेक्स्ट इक्वल टू उस कलर का नाम दिया था, तो वो पूरे पेज के लिए होता है। जैसे बीजी कलर हमने लिया था, अगर मैं यहाँ पर टी ई एक्स टी इक्वल टू रेड कर दूँ यहाँ पे, तो दोस्तों अभी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तो ये नीचे वाले हमारे एट्रीब्यूट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको हटा दूं, यहाँ से भी हटा दूं इसको मैं कलर को, और यहाँ से भी हटा दूं, तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा। अब दोनों कलरों का जो टेक्स्ट होगा दोस्तों वो होगा रेड। अब आप देख सकते हैं तो बॉडी के अंदर जो हम टैग लगाते हैं, जो एट्रीब्यूट हम लगाते हैं, वो पूरे पेज के लिए काम करता है। और अलग अलग टैग्स के अंदर जो हम एट्रीब्यूट लगाते हैं वो उसी टैग के अंदर काम करेगा, आपने अभी देखा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का और दोस्तों टेक्स्ट का। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर हम। दोस्तों आप पर्टिकुलर टेक्स्ट की बैकग्राउंड कैसे चेंज करोगे वो हम स्टाइल शीट में बताएंगे आपको, देखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दूसरों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।